एक तरफ ऑफिस जाने का लेट हो रहा है और ऊपर से बेल्ट भी कहीं घर में खो गया। यार कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। मतलब सही है भाई, ये मैडम सिखा रही है कि टेबल पर से छोटे मोटे कचरे को कुछ इस तरह ले लेना चाहिए। पर मैडम, कचरा गिराने के लिए घर में इतना महंगा टेबल भी तो होना जरूरी है। यहाँ इस स्कूटर को ऐसे डिजाइन करके बनाया गया है कि उसमें टायर्स की जगह बोल को भी लगाकर तेजी से चलाया जा सकता है। फिर डेस्टिनेशन पर पहुंचकर आप उसी बोल से खेल भी सकते हैं। इस होटल के मालिक ने इस तरह की टेक्नोलॉजी लगवाई है जिसके पास से आप गुजरोगे तो उस पर लगे क्रिस्टल्स आपके साथ खेलने लगेंगे। ये जापान वाले छोटी सी छोटी चीज के लिए मशीन ही बना देते हैं। जैसे इस गैजेट को देखिए, जो सिर्फ पॉलीथिन को रखकर उसके मुंह को फैलाने का काम करता है। इन मछुआरों ने बर्फ से जमी हुई लेक में से मछली पकड़ने का क्या गजब जुगाड़ लगाया है भाई, जहां उन्होंने एक होल करके उसमें एक पाइप को डाल दिया, फिर उसके अंदर जाल डालकर कुछ इस तरह सैकड़ों मछलियों को बाहर निकाला। ट्रक में ड्राइवर को खाने के लिए इस तरह का लकड़ी का प्लेट काफी यूजफुल है, जिससे खाना नीचे नहीं गिरेगा और बैठने में भी काफी कंफर्टेबल होगा। जंगल में जब आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की हेल्प ली जाती है, जहां एक कंटेनर में पानी भर के ले जाया जाता है। लड़कियां देख लो, ये वीडियो आपके लिए है। ये काफी सही तरीका है तुम्हारे बालों को रिबन से बांधने का, जिसमें कुछ इस तरह बालों को रिबन से खींचकर उसे ऊपर की तरह रोल करते जाना है। फिर उस रिबन को गोल सटाकर बालों को घुमा लेना है। उसके बाद उसमें पिन लगा दो, हो गया काम। चाइना में छोटे बच्चों के सर के पीछे इस तरह का बिना वजन का गद्दा पहना दिया जाता है, जिससे वो अगर फर्श पर गिर जाते हैं तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। इसे टूथर फ्रूट फीडर कहते हैं, जिसमें केला या कोई और खाने की चीज को डालकर छोटे बच्चे के मुंह में उसे चबाकर खाने के लिए रखा जाता है। ये बंदा इस लेक में मिट्टी से बने चट्टान पर जब अपने फावड़े से मारता है तो पहले तो वहाँ बहुत सारा पानी निकलने लगता है, फिर उसमें से पानी के साथ कई सारी सैकड़ों मछलियाँ निकलने लगती है, जिसे ये अपनी टोकरी में भर लेता है। ये सही है भाई, ये है बेबी बेयर जैकेट, जिसे कुछ इस तरह पहनाया जाता है। ठंडी तो इसके आसपास घूमेगी। यार मम्मी, जब मैं छोटा था तब क्या ऐसा जैकेट मुझे पहनाया था? एक हिताची का इतना लंबा फावड़ा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जहाँ ये एक ही बार में काफी दूर से मिट्टी को खींच कर ला देगा। इस गैजेट की मदद से आप अपने हाथ की साइज को बिना किसी झंझट के नाप सकते हैं। इसे किसी भी चीज पर टच करते ही इसके अंदर की टैप अपने आप बाहर आ जाएगी। इससे टेलर्स का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी और काजू दो ऐसे फल हैं जिनके बीज बाहर होते हैं, बाकी सभी फलों के बीज अंदर होते हैं। यहाँ ये बंदा अपने छोटे भाई की बोतल में से आधी सोडा घटक गया था, तो उससे बचने के लिए इसने बोतल को दबाकर बची हुई सोडा को पूरी बोतल में भर दिया। ये मेरा फेवरेट टूल है, क्योंकि इसकी मदद से आप टेबल पर पड़ी किसी भी लचीली चीज को आसानी से उठा सकते हैं। इस मशीन से बिल्कुल आसानी होगी गन्ने में से रस को निकालने की, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी मशीन में रस निकालते समय उसमें दुकानदार के हाथ भी कुचल जाते, जिससे कद में छोटी और सेफ्टी वाली मशीन को इन्वेंट किया। इस टूल की मदद से वर्कर्स को लोहे के सरियों को मोड़ने में काफी आसानी होगी। इस तरह के चिपिये से खेत में उगाई गई फसल के रूट को बिना ज्यादा जोर लगाए उखाड़ सकते हैं। इस छोटे से डोर के अंदर जब एक फोन में इल्यूजन वीडियो को चलाकर रख दिया तो देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो इसके अंदर हम गायब हो सकते हैं, और इस पर फिंगर टच करते ही ऐसा लगेगा कि वो अंदर चली जाएगी। ये है दुनिया का सबसे गजब आर्ट। दरअसल यहाँ पर चार लड़कियों ने अपने पूरे शरीर पर एक टाइगर की बॉडी पेंट की, उसके बाद यहाँ ये टर्टल लग रहा होगा, लेकिन ये भी एक लड़की है जिसने अपने पूरे शरीर पर पेंट किया। क्या गजब टैलेंट है।